भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 114 दिन में पहली बार देश भर में शनिवार को डेली केसेस 500 के पार पहुंच गए। पिछले 11 दिनों में 7 दिन का औसत भी डबल हो गया है। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखें तो कुल संख्या अब भी कम है और संक्रमण के चलते मौतों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पिछले 7 दिन में 6 मौतें हुई है। पिछले साल 18 नवंबर के बाद भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 524 मामले सामने आए। बीते 7 दिनों में 2671 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा उससे पहले 7 दिनों में आए 1802 केस से करीब 50% ज्यादा है। कोरोना के मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके भी लक्षण कोरोना की तरह ही है। फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रविवार को गुड़गांव में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। भारत में केस बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नीति आयोग ने दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है और लोगों को कोरोना की तरह ही नाक मुंह ढकने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है।